नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आमला, लंबे अंतराल के बाद बमुश्किल लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत तो मिली थी, लेकिन फिर एक बार खतरनाक कोरोना कोविड-19 ने बैतूल जिले में दस्तक दे तेज रफ्तार से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण प्रसार की रफ्तार पर अंकुश लगाने प्रशासन भी अलर्ट है। कोरोना मरीजों की जिले भर की स्थिति पर नजर आंकी जाए तो लॉकडाउन के पूर्व बैतूल जिले में मरीजों का आंकड़ा जहां 10 अंकों की गिनती नहीं छुपा रहा था, वहीं वर्तमान समय में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार में लगातार इजाफा होता दिख रहा है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है, वहीं लोगों में भय व्याप्त है। आज मंगलवार जिले के आमला विकास खंड की उपनगरी बोर्ड की वार्ड क्रमांक 15 में युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र में कोरोना की दहशत बढ़ गई है। पुरानी बोर्ड की पॉजिटिव युवक के घर के सदस्यों को होम क्वारंटीन कर प्रशासन ने इलाके को सील कर उक्त एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। गौरतलब हो, जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरत प्रत्येक रविवार के दिन इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, जिसका नगर की जनता ने भी भरपूर समर्थन किया था। बात करें आमला की कोविड स्थिति की, तो आमला में वैसे देखा जाए तो अभी तक शांति पूर्वक बना था। जिम्मेदार आमला भी अपनी जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन कर रहा था, ऐसे में कोरोना मरीज का मिलना चिंता का विषय है। बता दें, उक्त युवक रेड जोन इंदौर से मुलताई पहुंचा था, वहां से आमला आया था। इन्होंने क्या कहा, बोड़की वार्ड क्रमांक 15 में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर एरिया को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, वहीं युवक को कोविड सेंटर आमला में भर्ती किया गया है। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।